दोस्तों, आप अपने संदर्भ में क्या खबर देते हैं? जब कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, तो आप क्या खबर देते हैं? यूं तो हम साधारण तौर पर कहते हैं मजे में हैं, मगर हम अपने किन्हीं खास मित्रों को, किन्हीं खास परिचित लोगों को बताते हैं कि जीवन में दुख तकलीफें क्या हैं। मगर मैं आपसे कहूँ कि प्रयास करें कि ये बात बहुत ही इंटीमेट व्यक्ति के साथ हो या कम से कम लोगों के साथ, क्योंकि जब आप किसी को ये बताते हैं कि ये मुझे मेरी ज़िंदगी में तकलीफ है, मैं दुख में हूँ, परेशान, और वो व्यक्ति अगर इस बात को ले जा करके बाहर बताता है, तो आपके दुख की जो वेव्स हैं वो फैल रही हैं। एक व्यक्ति दूसरे को बताता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को बताता है कि साहब वो जो साहब हैं उनके जीवन में बड़ा दुख है, वो बहुत परेशान है, उनके बेटे के जीवन में ऐसी परेशानी चल रही है। तो ये परेशानी की जो बात फैलती जाती है, तो इससे परेशानी का ओरा सघन होता जाता है। इसलिए बेहतर हो कि आप लोगों को जब खबर दें तो अपने मंगल की खबर दें। आप लोगों को बताएं कि मैं मजे में हूँ, मैं आनंदित हूँ। एक तो पहली बात कि आपके आनंदित होने की खबर फैलती नहीं, क्योंकि किसी को, दूसरे को ये बताने में मजा नहीं आता कि वो बहुत आनंद में है, वो बहुत मस्ती में है। खबर ही बनती है दुख की। मगर अगर आनंद की खबर बन जाए, लोग आपके बारे में ये कहना शुरू कर दें कि वो बहुत मजे में जीता है, वो बहुत आनंद में है, उसके जीवन में सब ठीक चल रहा है, तो सब ठीक चल रहा है, आनंद का जो ऑरा है वो बड़ा होता जाता है, वो ऊर्जा का क्षेत्र बड़ा होता जाता है। जितने लोगों तक ये बात पहुंचती है, आपका आनंद उतना ही मल्टीपल होता जाता है। तो अपने बारे में जब किसी को खबर दें, तो हमेशा याद रखिए, सुख की, आनंद की, स्वास्थ्य की खबर दें, मस्ती की खबर दें। बहुत ही एक हाथ को इंटीमेट व्यक्ति के साथ आप अपने दुख बांट सकते हैं, वरना दुख बांटना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दुख बांटा और उसकी खबर बड़ी फैली तो वो दुख और फैलता जाता है। इसलिए जब भी खबर दें, आनंद की, मस्ती की, मौज की खबर दें। अपने आप को भी ये खबर दें कि मैं आनंदित हूँ, मैं मजे में हूँ, मैं मौज में हूँ। अपनी खबर हमें अपने ही द्वारा, अपने ही हृदय से बनानी होती है। धन्यवाद।